इंडियन पब्लिक सेक्टर पीएसयू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारा एक्सपेक्टेशन है हम लोग का और हर इन्वेस्टर्स का, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा लोग उसमें डिविडेंड को देख के उसमें इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं, और काफ़ी सारा जैसे कि न्यूज़ आता रहता है कि उसमें फंडिंग पंप किया जाएगा, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा सो दैट उसका इम्प्रूवमेंट हो सके और वो अच्छे से काम कर पाए। और जैसे कि हम लोग का इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन जीडीपी है, उसमें थोड़ा सा बढ़ावा आ सके। करेक्ट। तो इसमें काफ़ी सारा लोगों का इन्वेस्टमेंट उसमें है, काफ़ी हाई प्राइस में भी किसी किसी का भी है। ऑलरेडी हम लोग पीएसयू बैंक के ऊपर बात कर चुके हैं, और आज हम लोग जो बात करेंगे पीएसयू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो डिपेंडेंट है। पीएसयू इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अपना हिस्सेदारी अगर बोला जाए तो उसका शेयर होल्डिंग है, अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, व्हेल। ठीक है, काफ़ी वेल नोन कंपनी है, सब जानते हैं उसके ऊपर। तो ये कितना सच है, ये कितना कितना परफॉर्म करने लायक है, हम लोग पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के हिसाब से बात करेंगे, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में फिर से आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं व्हेल के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स ये वाला यहाँ पे फंडामेंटल जितना चाहिए फंडामेंटल लर्निंग होना है, फंडामेंटल कोर्स ऑलरेडी पूरा अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, और टेक्निकल बहुत जल्दी आने वाला है। बिकॉज ऑफ आवर वेबसाइट हम लोग टेक्निकल जल्दी से लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, बट जुलाई ऑनवर्ड्स इसको लॉन्च बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल क्या बोल रहा है कि मिड कैप कंपनी है, अगर देखा जाए तो 12,000 करोड़ का कंपनी मतलब मिड कैप कंपनी है। करेक्ट, क्योंकि 5,000 से 20,000 करोड़ के अंदर में जो रहता है हम लोग का प्रैक्टिस के हिसाब से वो मिड कैप कंपनी होता है। करेक्ट, और आरओसी यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, 6.70%, और या इसका अगर पीयर्स कंपैरिजन करोगे तो हैवेल्स इंडिया का आपको 25 दिख जाएगा। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, और कैसा हैवेल्स इंडिया परफॉर्म भी कर रहा है, और उस टाइम वीडियो में मैं क्या बोला था वो आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो सो दैट आपका भी डिसीजन सही से बैठ सके। करेक्ट, और उसमें वी गार्ड इंडस्ट्रीज का हम लोग वीडियो अपलोड नहीं किए, उसका भी अच्छा खासा आरओसी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अगर भेल देखोगे तो ये बहुत कम में है, यहाँ पे 3.6 है, ये थोड़ा लास्ट 5 साल का आरओसी इसमें एवरेज किया हुआ है, बट करेंट आरओसी अगर आप लोग देखोगे तो 6.70 है। ठीक है, तो आरओसी के मामले में मैं थोड़ा सा इसमें नेगेटिव हुआ हूँ। करेक्ट, और डेट जो है 5,000 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा खासा डेट है इसका, और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.18, तो हम लोग का जो थ्रेशोल्ड है उससे थोड़ा सा कम है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। बट एक चीज़ को लेके तो हम लोग काम नहीं करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे। तो इसमें और एक क्या देखना है कि 3 साल का देखिए कैश फ्लो जो है नेगेटिव में है, और 5 साल का कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, तो ये बहुत नेगेटिव बात हो सकता है, क्योंकि कंपनी का पास पैसा नहीं आ रहा, प्रॉफिट हो सकता है बट पैसा नहीं आ रहा है। अगर प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट लॉस में एक बार दे चलते हैं, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखिएगा कि फ्रॉम 2009 ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा था, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, हो के माइनस में पहुँच गया, फिर थोड़ा सा इम्प्रूव करने के बाद इसी साल आपका माइनस में आने के लिए वो मतलब दिखा रहा है डाटा पॉइंट। करेक्ट, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पे और एक चीज़ फाइनल वाला जो देखना है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो कि 63% है, काफ़ी अच्छा है, पीएसई सेक्टर है तो वो होना जाहिर सी बात है, और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज पूरा 0 है। ठीक है, तो इसके मामले में अगर शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो अगर आरओसी देखोगे तो थोड़ा सा ख़राब है, और कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये रहा इसका क्लियर पिक्चर ऑफ द फंडामेंटल। तो हम लोग चलते हैं टेक्निकल पे, टेक्निकल क्या बोल रहा है, टेक्निकल पे हम लोग को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे 5,813 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा इंटेंसिटी के साथ बुल रन दिखाया हुआ है, और ये वाला कितना सही है कितना गलत है इसको हम लोग को जाना पड़ेगा। इसका अपर वाला जो होता है टाइम फ्रेम जो कि 1 वीक का, 1 वीक में ये अच्छा खासा क्रॉसओवर होने के बाद ये मूवमेंट दिखाया हुआ है, और इंटेंसिटी भी काफ़ी अच्छे से गेन कर रहा है। सो इसमें काफ़ी अच्छे से आप लोग को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है। करेक्ट, अगर आप लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिल सकता है रिटर्न, और अगर कोई
बहुत ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि 60 रुपये 70 रुपये में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके लिए क्या करना है मैं आगे बताते रहूँगा, वीडियो देखते रहिएगा। तो वन मंथ में भी यहाँ पे क्रॉसओवर होने के लिए कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे जैसे देख पाओगे कि आप यहाँ पे कॉर्नर प्रोड्यूस किया है और ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा रिलायबल पैटर्न होता है, करेक्ट। तो इसमें कितना ऊपर तक जाएगा वो देखना बाकी रह गया, लेकिन 3 टाइम फ्रेम में अगर हम लोग का अप ट्रेंड दिख रहा है तो हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीवेगर पैटर्न का, तो मल्टीवेगर पैटर्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो प्राइस के साथ अगर मैं आ जाता है तो ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, उसके साथ ही लपेटा हुआ रहता है पूरा ये 1 वीक का जो जो टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है 100 EMA है, 200 EMA है, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। बहुत बार कोशिश किया है बट लेकिन जा नहीं पा रहा है, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम लोग का जो मल्टीबैगर पैटर्न जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मल्टीबैगर पैटर्न का जो चार्ट होता है वो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, करेक्ट। तो अगर मल्टीबैगर के हिसाब से देखोगे तो 70 रुपीज़ के आसपास का आ रहा है, अगर 70 रुपीज़ के आसपास को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर लेता है तब जाके ये इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट अभी तक जैसे कि हम लोग 5813 में देखे, अभी के लिए अप ट्रेंड है, बट ऑन द लॉन्ग रन ये डाउन ट्रेंड हो सकता है। ये हम लोग क्या होता है ना, डेली बेसिस में इसको अपडेट करके, डेली बेसिस में इसको एनालिसिस करके हम लोग को देखना पड़ता है। अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा, अगर नहीं जुड़े हो तो एक बार जुड़ जाइए सो दैट आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके, करेक्ट। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं कैंडलस्टिक के ऊपर। तो कैंडलस्टिक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला ग्रीन कैंडल बना था ना, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था, लगभग आप बोलोगे तो 5 रुपये 6 रुपये का जो अप ट्रेंड निकला था उसका प्राइस भागा हुआ था, उसके साथ ये वाला आपका वॉल्यूम चार्ट था, ठीक है ना। तो वॉल्यूम उसमें सपोर्ट में था, वॉल्यूम का फोर्स था, तो ये भाग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो तीन आपका कैंडल देख रहे हो, आपका 3 ग्रीन कैंडल बना है, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है, और ये वाला जो रेंज है 34.24 उसको क्रॉस किया है, और उसके साथ वॉल्यूम उतना ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है, सपोर्ट में है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो आप लोग ये वाला लाइन के नीचे में ही है, करेक्ट, और इसी रेंज के आसपास ही ये ट्रेड करेगा जितना आप लोग को दिख रहा है अभी के लिए। फिर थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म में जाओगे तो इसको क्रॉस कर सकता है, तो किसी का भी अगर उसमें पैसा फंसा हुआ है तो इसका एक ही स्ट्रैटेजी रहेगा कि सेल ऑन राइज, करेक्ट। तो यहाँ पे ये हम लोग देख चुके हैं, ये फिबोनाची भी ड्रॉ किया हुआ है जिसके हिसाब से हम लोग को रेंज का पता चल गया, और रेंज है आपका 38.94, मतलब 39 पकड़ लीजिए, 39 के ऊपर अगर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर रहा है तो आपको 44 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस उतना अच्छा खासा बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ डाइवर्जेंस, छोटा सा डाइवर्जेंस बना है, आपको दिखा देता हूँ, बड़ा डाइवर्जेंस तो नहीं है, यहाँ पे बना है आपका हायर हाई, और यहाँ पे बना था, एक सेकेंड, यहाँ पे वॉल्यूम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हाई बना था, करेक्ट, जो कि डाउन ट्रेंड का डाउन डाइवर्जेंस है आपका, बियर डाइवर्जेंस अगर बोल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा गिरा हुआ था, जैसे कि 31 से लेकर 27 तक गिरा हुआ था, उसके बाद कोई डाइवर्जेंस अब तक मेरे को नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया डाइवर्जेंस के बाद, तो डाइवर्जेंस का ये वाला कहानी था, तो अभी तक डाइवर्जेंस नहीं बना है, मतलब हम लोग को कोई बुल और बियर का यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, करेक्ट। और हम लोग अगर चलेंगे निफ्टी फिफ्टी का, सॉरी भेल का, अगर हम लोग ये वाला चार्ट पे चलेंगे कोरिलेशन कोफिशेंट के ऊपर, तो कोरिलेशन कोफिशेंट क्या बोल रहा है कि 0.89 को इसका जो रेशियो है इस निफ्टी के साथ मैच कर रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का रेंज होता है 1 to 0, और 0.5 के ऊपर अगर रहता है तो इसका हम लोग सोच सकते हैं कि इसका निफ्टी के साथ तालमेल बहुत अच्छा है, और निफ्टी के साथ तालमेल अच्छा होता है मतलब अगर आपका निफ्टी का व्यू आगे फ्यूचर में अगर पॉजिटिव है देन आपको इसमें आपको बाय करना चाहिए, करेक्ट। अगर नेगेटिव है तो इसको सेल कर देना ही बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म है, जैसे एक महीने में आपको लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा चढ़ेगा फिर उसके बाद गिरेगा, तो एक महीने के अंदर ही आप लोग को डिसीजन लेना है कि उसको सेल करना है कि नहीं करना है, करेक्ट। तो मैं इसको समराइज कर दूँ, तो अब 5813 में हम लोग को पूरा बुलिश दिखा तीनों टाइम फ्रेम के साथ,
और उसके बाद मल्टीवेगर पैटर्न में हम लोग को अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन मल्टीवेगर पैटर्न जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और 5813 हम तीनों में शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म में ये बुलिश पैटर्न में है, तो शॉर्ट टर्म में ये बढ़ सकता है, इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे 38.94 लेवल, जैसे आपको बता दिया, अगर 39 क्रॉस करता था तो ये 43-44 तक पहुँच सकता है आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंस बना नहीं, अभी बना नहीं है, पहले से बना था, फिर उसका उसी डाइवर्जेंस का ऑलरेडी काम हो चुका है, उसका रिजल्ट मिल चुका है, और इसमें बोलने वाला बात कुछ है नहीं, अभी के लिए कोई डिसीजन आप ले नहीं सकते आज पर द डाइवर्जेंस, करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका कोरिलेशन देखा जाए निफ्टी के साथ तो काफ़ी अच्छा खासा है, 0.9 के आसपास है, तो निफ्टी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप भेल का जो प्राइस है उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ले सकते हो, करेक्ट। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कभी कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक अपना अपना और अपना पोर्टफोलियो का बहुत सारा ध्यान रखिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।